बाकी श्रीमती वीना सिंह जी बोलिए असल में हम सोचे आप बैठ रही हैं इसलिए आज कृषि कटौती पर हमारा बोले के मौका मिलल माननीय अध्यक्ष जी ठीक बा कृषि कटौती के ऊपर बोले के मौका मिलल जे भी मैंने बोलल वो हमनी के बहुत अच्छा से सुन लेनी है तो हमहू बोलम तो यहाँ लोग अच्छा से सुनी आज कृषि विभाग में जौना वक्त में वो समय में हम रही तो समय में कृषि के कोई ऑफिस ना रहे कृषि में कोई लोग ना रहे सारा लोग के हटा दहल गई सारा नौकरी से बैठा दहल गई सब कोई हट गई बाकी सरकार जब आई तो ये जब भाजपा के सरकार आई जदयू के हम मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद देता नहीं उप मुख्यमंत्री के धन्यवाद ताकि फिर ऑफिस खुलल हो ऑफिस खुलल कृषि के या धान 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 के बारे में हम बोलता नहीं या धान के बारे में अगर कोई किसान के कोई तकलीफ नहीं के कोई चीज के लिए किसान के तकलीफ नहीं के जो किसान के हर चीज मिल रहा बा सरकार से पहले तो माने जौना बेरा किसान के विषय रहे किसान में हमनी के रानी वो सरकार कांग्रेस के रहे चुपचाप रही कांग्रेस के सरकार रहे कोई किसान के इतना पानी ना मिले इतना खाद ना मिले इतना खाद ना मिले इतना बिया ना मिले उस समय में जौना समय जब कांग्रेस के सरकार में आ ये समय में किसान के लिए पैसा मिला था किसान के मजदूरी मिला था बोला दी रहुआ बहुत बोलने बनी किसान के खाद मिला था किसान के पानी खेत में पानी मिला था किसान के खेत में पानी कोई सरकार ना दे रहे चुपचाप रही किसान के खेत में पानी मिला था किसान के हर चीज मिला बा पैसा मिला था किसान के पैसा भी जाता जे किसान के खत्म होकर तो रबी नहीं खे हो ओकर मौजा मिला था किसान के हर चीज मिल रहा बा और किसान के तो होता कि माने हमार किसान बैठा रहता लोगों के खाता पर पैसा चल जाता सरकार से खाता पर पैसा सरकार से चल जाता ईमान से रउआ लगन बोनी सभे कोई हमें किसान बा सभे कोई विधायक बा मंत्री वालों हमहू विधायक एगो बानी लेकिन ईमान धर्म से बोली कि हाँ किसान के खाता पर पैसा जाता कि ना बोले दी अब ब्लैक कृपया बीच में टोकाटोकी नहीं करें बीच में नहीं बोलिए कम से कम आज तो छूट दे दीजिए महिलाओं को रोज तो आप बोलते ही हैं आज तो कम से कम इनको पूरा दिन बोल पूरा समय बोलने दीजिए ना पूरा दिन ना बीच में टोकाटोकी कीजिएगा तो यही समझेंगे सब महिला लोग कि यहाँ भी शोषण है और इसलिए आप लोग कोई टोकाटोकी नहीं कर रहे और महिला लोग बोली लोग हाँ ये लोग तो बोलबे ना कहला नेता ना बड़का नेता हो के अब महिला के माने थोड़ा सा भी ना आशीर्वाद दिलन आ ना ऊ दिलन महमूद जी खाली पथराखा लेके घूमी है सभा में घूमिए पथराखा लेके लेकिन महिला के इज्जत ना करिए आज किसान के विषय में जो रउआ लगन बोले तनी किसान के ऊपर हम बोले के तैयार भइनी है रउआ लगन तहे दिल से कही हर जगह किसान वालों एक एक किसान लोग हमरा लगे आवे ला लोग कि हाई माने हे तरे हाई बा हो तरे हाई बा उ चीज के हम ले आके यहाँ पटना पहुंचाई नहीं कि हे तरे हमरा किसान के साथ में हो रहल बा तो सरकार पूरा करे ला लोग उ चीज मिला ला किसान के आज किसान के देख ले जाओ कि कितना खुशहाली से बालो लोग आज किसान ये कह रहा बोलो कि हाँ गन्ना से या सब से या बाढ़ आई रहा बाढ़ में तो सब माने किसान के दशा भइल उ सब आदमी जानता हम अनियो जानता नहीं कि किसान के खेत कटल वो कटल रबी फसल ये सब कटल लेकिन मुआवजा तो सरकार एकदम देनी है सब कोई के मुआवजा सरकार देनी है तो हम कैसे कही कि हमारे किसान खुशहाल ना हो किसान हमारे एकदम खुशहाल बोलो लेकिन हम रउआ लोगन से इतना जरूर कहे
कि किसान के हमरा कुछ कमी नहीं है। हाँ, जे किसान के कमी बुझाता वो किसान लोग विधायक लोग से कहो, लोग विधायक लोग अपन जहाँ के बतियाई तो कमी है या नहीं है, तो का किसान लोग कही कि हाँ हमने का कमी बा। आज किसान के ऊपर बोला था नहीं, खाद मिला था, पानी मिला था, अन्न मिला था, सब कुछ मिला था, लेकिन लेकिन एक चीज बा माननीय अध्यक्ष जी, अपने के एक बात कहे कि जब महिला काम करे वाला बा, जब महिला काम कर रहल बा, या कोई या गरीब हो या कोई भी हो अमीर हो, लेकिन महिला के मजदूरी सही मिले के चाही। वहाँ महिला के मजदूरी में कुछ कटौती हो जाला, लेकिन ये पर ध्यान दे के महिला के हमरा कटौती मत करके हमरा महिला के मजदूरी अच्छा से दिलवावल जाओ, महिला के मजदूरी कमाए वाली के मिले। हम इतने कह के अपने लोग के हाथ जोड़ के धन्यवाद देते नहीं। जय भारत, जय हिंद। श्रीमती वीना सिंह जी।